जिस संघ के 100वें साल में उसके कार्य का पदार्पण हो रहा है, वो संघ क्यों है, क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना में हम कहते हैं, विजेत्री चन संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु। शाखा में ये जो सब हम करते हैं, छोटे सीधे साधे सरल कार्यक्रम रोज आके नियमित करते हैं, 100 साल से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन भी उसमें नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक उन्हीं कार्यक्रमों को रोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? समर्थ होने के लिए। क्या सामर्थ्य चाहिए? परम वैभव नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, हमारे इस राष्ट्र को। हमने प्रार्थना में ही कहा है ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू समाज इसका उत्तरदायी है। इस राष्ट्र का अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है, इस राष्ट्र का कुछ गड़बड़ होता है तो दोष तो हिंदू समाज पर आता है, क्योंकि वही इस देश का कर्ता धर्ता पालनहार है, और इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। तो उस अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए समर्थ होना है। परम वैभव संपन्न बनाने का काम कैसा करेंगे? खूब भक्ति करेंगे, भगवान का अवतार होगा और वो हिंदुस्तान को ठीक कर देगा, ये नहीं है अपनी कल्पना, वो तो भगवान की इच्छा है, तब जो होना है होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि भगवान की राह क्यों देखें, भगवान जब आएंगे आएंगे, हम अपना पुरुषार्थ करें। और इसलिए इस राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने का काम हमको करना है, हमें सामर्थ्य संपन्न बनना है, लेकिन हम सबको ऐसा होना चाहिए। एक आदमी का ये काम नहीं है, एक संगठन का भी ये काम नहीं है, पूरे समाज को योग्य बनना पड़ेगा, संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित हमको करना है। क्योंकि पूरा समाज जब किसी बात के लिए खड़ा हो जाता है तो उसको जीत सके या उसको परास्त कर सके ऐसी कोई शक्ति नहीं होती।